पूरी हर किसी का फेवरेट होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। आज मैं आपके लिए पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल की पूरी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मूंग दाल की पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मूंग दाल को साफ करके 3 से 4 घंटे तक इसे भिगोकर रख लिया था। दाल अच्छी तरह भीग गए हैं। दाल में से सारा पानी निकालकर अलग कर दें, क्योंकि मूंग दाल को पीसने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसमें पानी एक्स्ट्रा होगा तो दाल की पिट्ठी गीली हो जाएगी। दाल की पिट्ठी बनाने के लिए इसे एक मिक्सर की जार में पलट लेंगे और ऊपर से ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च और ऐड करेंगे 2 चम्मच पानी। इन सभी को बारीक पीस लेंगे। दाल को पीसते समय यदि ज़रूरत हो तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। पूरी बनाने के लिए दाल को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। पीसते समय ध्यान रखें कि दाल बिल्कुल चिकना पीसना चाहिए, नहीं तो पूरियां तलते समय अच्छे से फूलेंगी नहीं और यह फट जाएंगी। दाल को पीसकर हमने इसका चिकना बैटर तैयार कर लिया है। दाल का पेस्ट रेडी है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा, मोयन के लिए 1 चम्मच घी। यदि आप चाहें तो मोयन के लिए घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग का पाउडर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले और आटे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब आटे में हम ऐड करेंगे मूंग दाल का पेस्ट और ऐड करेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसमें डंठल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटे को गूंथते समय हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और इसका एक हमें टाइट डो तैयार करना है। मूंग दाल की पूड़ियों को तैयार करने के लिए किसी खास इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं होती और यह बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। डो मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है तो मैं इसमें ऊपर से सूखा आटा ऐड करूंगी। आटे को अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे गूंथ लेंगे। आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कितना टाइट डो तैयार किया है। आटे को और 1 से 2 मिनट गूंथ लेंगे जिससे कि अच्छी तरह चिकना हो जाए। डो हमारा बिल्कुल रेडी है। हाथों में थोड़ा सा घी लेकर इसे डो के चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेंगे। अब आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, डो बिल्कुल रेडी है। इसे हम थोड़ा सा गूंथते हुए चिकना कर लेंगे। डो में से हम पेड़े के साइज की छोटी लोई तैयार कर लेंगे। सारे लोई हमने तैयार कर लिए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा घी लेकर इसे चकले और बेलन पर लगा लेंगे। ऐसा करने से बेलते समय पूड़ियाँ चिपकेंगी नहीं। इस तरह पूड़ियों को बेल कर हम तैयार कर लेंगे। पूड़ियों को बेलते समय यदि आप चाहें तो सूखे आटे या घी का यूज कर सकते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ ना बेलें, 3 से 4 पूड़ी ही बेलें, क्योंकि पूड़ियों को ज़्यादा देर तक बेलकर रखने से वे सूखने लगते हैं और तलते समय अच्छी तरह फूलते नहीं हैं। पूड़ियों को बेलकर तैयार कर लिया है, अब इन्हें तल लेते हैं। पूड़ियों को तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे और इसके लिए हम एक छोटा आटे का टुकड़ा डालकर इसे चेक कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें तलने के लिए पूड़ी डाल देंगे। पूड़ियों को तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे। अब एक छारे से पूड़ी को हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे पूड़ी अच्छी तरह फूल जाएंगी। एक तरफ से पूड़ी तल चुकी है, अब इसे पलटकर दूसरी तरफ भी हम लाइट ब्राउन होने तक इन्हें तल लेंगे। दोनों साइड से पूड़ी अच्छी तरह तल गई है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे पूड़ियों को भी तल कर हम तैयार कर लेंगे। तैयार है मूंग दाल की मसालेदार पूड़ियाँ। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान है। सफ़र हो या फिर बच्चों के लिए पैक लंच बनाना, मूंग दाल की पूड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।